हूँ, ऐसा भी लोगों को शक होता है। ये हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा तालिबानी नियम चल रहे हैं अभी भी। शराब पी थी उसने भयंकर ज़्यादा, और रात का समय था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो आपको गोवा के कैसे लगा? बस बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, मतलब कि वो सब जिंदगी में मिला जो हमारे रीवा में असंभव मिल पाना। रीवा मतलब, रीवा आप कहाँ से आ रहे हैं? रीवा मध्य प्रदेश। मतलब यह हिंदुस्तान में ही है, दूसरे देश के? हिंदुस्तान में ही है, बट हिंदुस्तान जैसा नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। हिंदुस्तान जैसा है गोवा जैसा? गोवा जैसा, गोवा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब हिंदुस्तान जैसा भी नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का अलग रेट चलता है, अलग सरकार चलती है, अलग ठेके चलते हैं। सरकार तो पता चला एक ही जैसे है, एक ही है सरकार, ठीक है, एक जैसी होना, और सरकार में नियम एक जैसे होने चाहिए ना। जैसे गवर्नमेंट तो यहाँ पे तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, तो वो तो यहाँ उनका तो पावर तो यहाँ पे भी होगा, उनका पावर तो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे शराब 30 रुपये पौआ मिल जाती है, वहाँ पे 300 रुपये पौआ नहीं मिलती है। हाँ कहीं कहीं पे तो देखिए 300 नहीं, 3000 में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए बहुत जगह प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित ही कर दो, सभी जगह कर दो। हाँ है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इसके लिए तो एक खैर आंदोलन चल रहे हैं बहुत सारे। सभी जगह 100 रुपये 90 रुपये, हम 110 रुपये दे रहे हैं, हमारी जेब में अलग से कमाई डाल रहे हैं। वहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो उस काम में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। आप आखिरी दिन है, तो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब जाते जाते संदेश देना चाहते हैं कि पूरा उत्तर भारत आके यहीं बस जाए। उत्तर भारत में कौन रहेगा? उत्तर भारत में रहेंगे महात्मा, संत, तपस्वी लोग। अच्छा आप यहाँ की साफ सफाई देख रहे हैं, इतनी अच्छी साफ सफाई, सुंदर व्यवस्था, साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचर में रेलवे स्टेशन बनाया, पहाड़ों को बढ़ाकर काट काट के एकदम बनाया गया पुराने जमाने पे। साफ सफाई, टाइल्स एकदम साफ, साफ सफाई कुछ नहीं है, बस यहाँ पे टाइल्स में साफ सफाई है। बियर की बोतलें टूटी फूटी पड़ी रहती है समुद्रों में, पैर में घुस जाती है लोगों के। समुद्र में आपकी बियर की बोतल मिली आपको? हाँ, कई समुद्र में बियर की बोतलें, यहाँ पे थूकना मना है लेकिन बोतल पी के फेंकना मना नहीं है। अच्छा, आप गुटखा नहीं खा सकते हो, आप सिगरेट फूंक सकते हो किसी के मुंह में। अच्छा ये भी है मुझे। हाँ, ओह, गुटखा खा के थूकने में आपको समस्या है, दारू पी के लौटने में समस्या नहीं है। ऐसा भी है, ऐसा तो पता नहीं था मुझे। खैर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है मुझे भी, जो एकदम यूनिक और डिफरेंट थी, जो शायद कहीं आप नहीं पीते हैं तो आपके किसी काम का गोवा नहीं, जैसे मेरे किसी काम का नहीं है। मतलब कुल मिला के बेवड़ों के लिए है क्या ये? बेवड़े जर्सी इन्हीं के लिए सही है। हाँ मैंने गूगल में पढ़ा है, हसीस वगैरह भी देते हैं फॉरेनर्स। हाँ, आते मिल हैं रहे तो थे वो लोग, गांजा वांजा पीने आते हैं, हसीस कर लेने आते हैं, आपकी जेब खाली करने के लिए बैठे हैं, और आके आपको बराबर से लूट के बराबर कर देंगे। कुछ ऐसा मतलब बहुत जगह समझ में आया, मिला देखने को समझने, तो मतलब ये बातें सत्य हैं, काफ़ी सत्य हैं। यहाँ पे आपको टैक्सी के लिए वही, बस से चले जाओगे तो 20 रुपये लगेगा, टैक्सी से जाओगे तो 600 रुपये 800 रुपये लगेंगे, जिसके लिए यहाँ की सरकार ही वसूली करवा रही है अपने एजेंट बैठा के। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, वही टैक्सी मुंबई में चल रही है 20 रुपये पर किलोमीटर, वही टैक्सी यहाँ पे 150 रुपये पर किलोमीटर चल रही है, क्या बात है। पेट्रोल तो वहाँ से भी यहाँ सस्ता है, मुंबई में 110 रुपये है। हाँ, जबकि चावल तो पंजाब से ही आता है। हाँ, और छत्तीसगढ़ से, दाल MP से आती है, बड़ा गन्ने UP से आते हैं। हाँ, तो यहाँ होता क्या, आपको ऐसा क्या समझ में आया? यहाँ बियर होती है बस, सस्ती, वो भी तो अपने MP में ही बनती है। बनती है, वहाँ मिलती नहीं ना, पिला के बेची जाती है। तो मतलब कुल मिला के आपको मज़ा नहीं आया ऐसा लग रहा मुझे? मुझे बहुत आया, बस तो दुख लगा ऐसा। दुख इस बात का है कि हम लोग एक ही देश में रह के दो तरह का व्यवहार, तीन तरह का व्यवहार किया जाता है। मुझे लगता है आपके साथ या UP और MP वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उनके सर में सींग लगी हो। हाँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत गंदा है, हमारे यहाँ पे कोने में नालों में घुस के पीते हैं लोग, फ्लाईओवर के पुलिया के नीचे पीते हैं, लड़कियाँ निकल नहीं सकती हैं, लड़कियाँ नाच रही हैं, दारू की दुकानों पे काम कर रही हैं। हाँ ये, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो गोवा गवर्नमेंट और गोवा के लोगों के पास पैसे हैं या चल रहा है गोवा, हमारे पैसे हैं ये, आप ही लोगों की वजह से चल रहा है, आप ही लोगों के पैसे, आप ही लोगों के टूरिस्ट आने की वजह से छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ पे, ये सब करने आ रहे हैं। और तो आप लोगों को प्रति कितना ज़्यादा शुक्रिया अदा किए गोवा वाले, और कितने मददगार निकले गोवा के लोग? भी नहीं, उनको काम केवल है पैसा, उनका टारगेट है पैसा, आपसे जितना मतलब नमस्कार फिर पधारिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके पास पैसा है तो आपका स्वागत है, पैसे नहीं है तो उठो भाई, नेक्स्ट कस्टमर वेट कर रहा, बस सीधी सी बात है। एक आमिर खान जी एक एडवर्टाइजमेंट चलाते थे, आती थी देवो भवा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो मतलब कि जो प्रदेश है, देश है, शहर है, और कहा जाए तो कैपिटल है, राजधानी है, अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, जहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और अपने भी देशों से भी आते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है अतिथि देवो भव में, जैसे कि आप अतिथि में क्या स्वागत किया गया जब आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन में उतरे, तो कितना अच्छे तरीके से आपसे? रेलवे स्टेशन में उतरते ही हमें टैक्सी वाला मिला,
जो कि फुल टल्ली था, शराब पी थी उसने भयंकर ज़्यादा, और रात का समय था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और दो लोगों के 900 रुपए लिया था हमें यह थिवीम स्टेशन से कलंगूट बीच का, जो कि करीब 15-18 किलोमीटर है, और 15-18 किलोमीटर का 900 रुपए इमरजेंसी में लेना मुझे नहीं, वही काम बस से जगह अभी हम बस से आए जैसा, तो उसी का हमारा चार्ज लगा टोटल 50 रुपीस। लेकिन वो भी बस का भी देखा जाए दूरी और वो ऐसा शराब के नशे में धुत था कि कुछ भी हो सकता था, वो तो बीच में ही पहले पलट गया कि हम जाएंगे ही नहीं, हमने बोल दिया यहाँ पे बुकिंग कराई कलंगूट बीच की, उसे 10 कदम पास में ही पहले ही बल्कि बागा बीच पर, हम बोले बागा बीच, तो बोला नहीं हम जाएंगे ही नहीं। तो आपको कलंगूट बीच जैसे भेजा गया था, बताया गया था, तो आपको वहाँ पे लंगूर वगैरह देखने के लिए मिले या नहीं? कलंगूट तो वहाँ पे मतलब कलंगूट नाम की कैसी जगह थी, क्या चीज़ था? जगह बढ़िया है, जगह तो मस्त है, जगह में कोई दिक्कत नहीं, जगह बहुत सुंदर है, बहुत साफ सफाई है, सब कुछ है। वहाँ पे मतलब कोई बीमार आदमी जाए तो यहाँ पे अपना आई का ऑपरेशन, जैसे बहुत सारे लोग बॉम्बे वगैरह जाते हैं अपने हार्ट वगैरह के लिए, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, तो ऐसा आपको गोवा में कोई पेशेंट वगैरह आना चाहते हैं, कोई अपनी मदद लेने कुछ करने, तो आप उसमें क्या बता सकते हैं? मैं तो गया नहीं हूँ, मैं तो एज अ टूरिस्ट पर्पज से आया था। मतलब कि कोई अपने बेसिक पर्पज से आए और चाहे कि मैं यहाँ पे अपना इलाज करवा लूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। नागपुर वगैरह अपने महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, दिल्ली का अपना एम्स है। एक्चुअल में ये है कि वो उस क्षेत्र, वो क्षेत्र इसी बात के लिए जाना जाता है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो उसी के हिसाब से बनाया गया है। किसका? नागपुर का है, मुंबई का है, या फिर लखनऊ है और वाराणसी है, तो वहाँ पे इसकी अकॉर्डिंग, इसके अलावा यहाँ बिजनेसेस भी तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई पेशेंट लेके आते हैं मेरे हिसाब से, तो अगर उसकी समस्या कुछ होती है, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट में ही प्रॉब्लम है, तो आप तो पहले उसके इलाज के पैसे रखिए, फिर उसके जस्ट डबल आप यहाँ के खर्चे रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केवल लूटपाट है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपको यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में क्या देखने को मिला? एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, लोगों को खुली मानसिकता दी गई, अच्छे विचार दिए गए, अच्छी शिक्षाएँ दी गई यहाँ पे। मतलब ऐसा, मतलब जैसे हम लोग के इंदौर है, भोपाल है, MP है, अपना बहुत से लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं, अपना कोटा है राजस्थान का, ऐसा मतलब कोचिंग वगैरह कैसा रहता है? ऐसे यहाँ पे अपन अपने अपने बच्चे बहन बेटियों को भेज दें यहाँ कोचिंग करने के लिए, तो कैसा रहेगा? उस हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन अब बढ़िया है, सुरक्षित है लड़कियों के लिए, सुरक्षित है। हाँ, पंजी वगैरह यहाँ पे है जो है लड़कियों के लिए फुल सुरक्षित, कैपिटल ऑफ गोवा आदि है। तो मतलब आपको ऐसा कैसे लगता है कि हाँ वो आने के बाद अच्छी खासी पढ़ाई कर सकती हैं? फिर वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। तो किसी ने सुना नहीं कभी कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए आप ये कोर्स करने के लिए गोवा चले जाएं, ये पढ़ने के लिए गोवा चले जाएं, ये कॉलेज के लिए, ये कॉलेज में इतनी छूट है? चीज़ें सुनने को तब मिलेंगी जब आप सभी जगहों पे बराबर छूट, बराबर आज़ादी देंगे, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, या फिर अच्छा हाँ मध्य प्रदेश में कहीं पे भी हैं, आप वहाँ पे दीजिए ना छूट, तो सब कुछ बराबर है, तो सब कुछ बराबर, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे शराब की ही मेरे ख्याल से वजह है जो यहाँ तक लोगों को खींच के लाती है, मुख्य वजह। तो ऐसा है कि मैंने देखा हुआ है कई बार कि एक MP में शराब मिलती है, बहुत सारी शीशियाँ मैंने पड़ी हुई देखी होती है, इसमें लिखा होता है गोवा, और उसमें बीच का चित्र बना हुआ होता है, खजूर के पेड़ बने रहते हैं, हाँ। नारियल पानी वगैरह के, और वो गोवा नाम की शराब मिलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी, हर जगह, स्पेशली गोवा रहती है, उससे आपको गोवा के बारे में क्या शिक्षा मिलती है? मैं वो चीज़, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट ही शराब के तौर पे कर रहे हैं किसी राज्य को, मध्य प्रदेश के नाम पे MP की ऐसी कोई शराब लॉन्च कर देनी चाहिए। मैं तो शिवराज सिंह से कहूँगा अपने भी जगह का प्रचार करिए, वो लोग तो शराब की बॉटल, गुटखा भी शायद गोवा नाम से आता, तो गोवा नाम से सिगरेट आती है, अभी यहाँ पे कोरोना नाम की भी शराब आती है, तो कोई चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो, अपने क्षेत्र, अपने राज्य का टूरिस्ट खींचने के लिए कर रहे हैं कि अब तक एक बॉटल जा रही है जिसमें हर हाथ में वहाँ पे पहुँच रही है, सीधे डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट फ्री में हो रहा है कि ये गोवा की शराब है, गोवा है से कि अगर अपने यहाँ जो टूरिस्ट ब्रांड की शराब दिल्ली की रख दी। खैर ऐसे तो स्टेट तो खैर बहुत सारे हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो अपन किसका किसका नाम लेंगे, खैर वो बात को भी साइड करते हैं। इतनी सारी ब्रांड भी तो हैं, हर राज्य की एक ब्रांड हो सकती है। हाँ, हर राज्य की हर, और उसका टेस्ट भी हो सकता है कि हर राज्य का अलग ब्रांड का अलग टेस्ट है, अगर चाहिए तो। पटियाला पैक फेमस है, तो क्या वहाँ की ब्रांड की शराब भी तो होनी चाहिए।
लेकिन वो सिर्फ प्रायोरिटी दी गई है, वो सिर्फ गोवा को ही दी गई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या ये सही है गलत है, कानून के हिसाब से आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? कानूनी तौर पे तो पूरी तरह से गलत है, एक राज्य विभिन्न कानून नहीं होने चाहिए। आप यहाँ भी बंद करिए, गुजरात में प्रतिबंधित किए हैं सर, आप यहाँ लौट रहे हो, ठीक है, मर रहे हैं, कहीं पे बीच पे जा रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स पे ले जा रहे हैं, सर आपके नशे में है, कोई दुर्घटना घट गई, कोई मर गया, पटक देते हैं, पानी में गिरा देते हैं, तो अगर कोई सर आपके नशे में है तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है ना इनके एडवेंचर स्पोर्ट के चक्कर में, तो ये प्रतिबंधित करनी चाहिए। बीचेस हैं, बीचेस के आनंद लीजिए, खाइए और चले जाइए। आपको कहने का मतलब ये है कि आप शराब जैसे सभी प्रदेशों में सभी स्टेटों में मिलती है वैसे नॉर्मल मिलनी चाहिए, तो यहाँ जैसे सभी रेट, लेकिन रेट भी वही होने चाहिए, नियम भी वही होने चाहिए सब जगह का। हाँ बस यही चाहता, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आप लोग दूसरे देश में आ गए हूँ? मुझे लग रहा है कि मैं अगर मेरे बजट का होता तो यही बसना चाहता हूँ। तो किस पर्पज से आपके कहना है? सस्ता रहेगा, छूट रहेगी, आज़ादी रहेगी, हमारे यहाँ पे लड़कियों को आप लेके टू व्हीलर पे बैठा के चले जाइए तो पूरा गाँव मोहल्ला देखने लगता है, घूरने लगता है, यहाँ हर स्कूटी हर गाड़ी पे दो चार बैठे हैं। हाँ वहाँ पे हम लोग यहाँ तो सुना है, हम लोग यहाँ गंदी गंदी गालियाँ भी दी जाती है लड़कियों को, अगर वो किसी लड़के के साथ घूम लें या बात कर लें तो। हाँ तो वही सब है, इसी पर्पज से है कि कम से कम हमारे बहन बेटियाँ जो हैं आजाद ख्यालों में जी तो सकेंगी। ये तो हम लोग यहाँ तो ऐसे है कि अगर कोई लड़की भाई के साथ भी आ रही तो लोगों को लगता है कि उसको कहीं बॉयफ्रेंड हो, ऐसा भी लोगों को शक होता है। ये हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा तालिबानी नियम चल रहे हैं अभी भी, कई बार ऐसा वैलेंटाइन डेज वगैरह में चेकिंग भी होने लगती है, तो हमें भी वो सब कुछ दो या तो यहाँ भी ख़त्म कर दो।